नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर जिले के ईशानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आमखेरा में एक 60 वर्षीय किसान की लाश उसके ही खेत पर बने एक कमरे से बरामद की गई है। किसान का नाम हलकन यादव है और इसकी मौत रहस्य बन गई है। दरअसल लाश के समीप ही एक ब्लेड बरामद हुई है और इस किसान के गले को रेतने जैसे निशान मिले हैं। ये मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझ कर रह गया है। थाना प्रभारी और एसडीओपी शशांक जैन ने इस घटना स्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल की टीम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी तथ्यों और सुरागों को हासिल किया है। थाना प्रभारी कल्याण सिंह यादव ने बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम किया है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। उधर मृतक हलकन यादव के बेटे अरविंद यादव ने इस मामले में हत्या की आशंका जाहिर की है। वो रोज की तरह रात 8 बजे खाना खा के बगर में लेटने के लिए गए, तो रात भर सोते रहे। हम लोग अपने अपने खेत पर चले गए और सुबह जब हमारी मम्मी गोबर डालने के लिए बगर में गई तो वो वहाँ उनको खून से लथपथ ज़मीन पर औंधी हालत में डले हुए मिले, तो वो चिल्लाएं और उन्होंने सूचना गांव वालों को दी और हमको दी। आंखें यहाँ रास्ता में आके देखी लोगों ने, मान लो रिश्तेदारों ने, तो उन्होंने कहा कि इनकी आँख भी नहीं है, तो यहाँ डॉक्टर के पास लाए PM के लिए। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ क्या है इसमें क्या नहीं। अब ये मालूम बिल्कुल नहीं सर, हमारा किसी से आपसे विवाद भी नहीं है, फिर भी लेकिन हमको संदेह है कि हमारे पिताजी की हत्या की गई है। इस तरह से शव मिलना कोई बड़ी बात नहीं है सर।